अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टूडियो। आज हम बनाना सीखेंगे सिंगल क्रोशिया फ्रंट लूप। उसके लिए हमें चाहिए वूल, इंग्लिश में इसे यान भी कहते हैं, आप कोई भी ब्रांड की यान या वूल ले सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए क्रोशिया हुक। क्रोशिया हुक हमेशा आपके यान के हिसाब से होता है, मेरे पास है 5.5 mm। हमें चाहिए कैंची, एक सुई और स्टिच मार्कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे स्लिप नॉट। ये हमने बना लिया स्लिप नॉट के साथ एक चेन। इसी तरह हम 15 चेन बनाएंगे। अब बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। पहली चेन मिस करके हम सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में भी हम सिंगल तरह हम सेकंड लास्ट स्टिच तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बन चुका है सिंगल क्रोशिया। यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। ये आप देख सकती हैं, ये हमारी बैक साइड की चेन है, ये फ्रंट साइड की। हमने फ्रंट साइड की चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह अगली में भी हमने सिर्फ फ्रंट साइड की चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम लास्ट चेन में आ गए हैं, यहाँ भी हमने एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। इसी तरह हम एक और चेन बनाएंगे, टर्न कर लेंगे और इसी में भी हम जो फर्स्ट चेन है इसमें ही, हमारी जो फर्स्ट चेन यहाँ काउंट होती है, ये हमारी फर्स्ट चेन है, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। हम दूसरे सिंगल क्रोशिया में अपना पहला फ्रंट साइड का सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अभी से कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट चेन में आ चुके हैं, यहाँ भी हम अपनी आगे वाली साइड की जो चेन है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। इसी तरह अब हम तीन और स्टेप बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे। जो फ्रंट साइड का हमारा चेन है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हम अब अपने सेकंड लास्ट में आ चुके हैं, यहाँ भी हम फ्रंट पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ लास्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बना के हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। ये हमारा बन चुका है सिंगल क्रोशिया फ्रंट लूप। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये बैक। अब यहाँ से जो है हम इसे भी इसके अंदर ही छुपा देंगे बैक साइड। ये अब तैयार हो चुका है हमारा फ्रंट लूप सिंगल क्रोशिया। आप इसे कंटिन्यू भी रख सकती हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपको इस बारे में कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।